रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह ट्वीट कर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे को बेचा जा रहा है, फिर भी रेलवे घाटा में है, अब पटरी भी बेच दिया जाएगा। अब इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। रेलवे घोटाला के कारण वो अपने पूरे परिवार को आज बेल पर लाकर खड़ा कर दिए हैं, लेकिन लालू यादव आज नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे में पहले जितनी दुर्घटना होती थी, नरेंद्र मोदी के सरकार के दौरान वो घटनाएं कम हो गई है। क्या कुछ कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो। बयान भी जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि रेलवे तो बेच दिया गया, अब पटरी भी बेच दिया जाएगा और इसके बावजूद भी रेलवे घाटा में चल रहा है। अरे यार क्यों? श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे ये सबका आएगा भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी, आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया। और कुछ आताताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होके खेलना चाहते हैं, आज उस पर भी लगाम लगाने के लिए नए तकनीक से भारत सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं खौफ है। देखिए, जनता मालिक है, जनता के जनादेश जो आता है जाके उससे पूछिए। जो बूथ के ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, अब ईवीएम पर प्रश्न बंद हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की विश्वास है और वो रिजल्ट में परिणित होगा। 370 धारा हटाने का झूठा वादा, जनता को लोभ लुभावना वादा, उन्माद पैदा करके वोट की राजनीति करने वाले लोगों को तत्कालीन कुछ लाभ मिलेगा, अस्थाई नहीं। बंगाल में डॉक्टर आज आपसे हड़ताल पे चले गए हैं, अनशन पे हैं और एक बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। देखिए, ममता सरकार पूरी तरह से फेल है, अराजकता के शिकार है और ममता सरकार भारत के संविधान के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं, जनता के विश्वास पर कहीं से खड़ा नहीं उतर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं।